आयोजित सरपंच चषक 2021 ही स्पर्धा 24 ते 28 नोव्हेंबर 2021 मध्ये बघायला मिळेल. आयोजक आदरणीय ॲडव्होकेट सरपंच ग्रामपंचायत बुरदुल सुनील बे पाटील यांच्या माध्यमातून असेल. आणि स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक 1 लाख रुपये मालेकावीर बाईक तुम्हाला बघायला मिळेल. इच्छुक संघ योगेश वडवी सर यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्यानंतर अजून एक अपकमिंग टूर्नामेंट्स 100 किंग मेकर सरकार माजी सरपंच चषक 2021 प्रेरणास्थान श्री संतोष शेठ म्हात्रे माजी सरपंच नितलस स्पर्धेचे मुख्य आयोजक त्यांच्या वतीने वामजा गावामध्ये तुम्हाला 1 लाखाची स्पर्धा बघायला मिळेल. आणि त्या स्पर्धेमध्ये जिंकणारे 4 संघ असतील. त्या 4 संघामध्ये 1-1 बाईक अर्थात 4 बाईक दिल्या जातील. तर फर्स्ट प्राइजला देखील बाईक असेल, सेकंड प्राइजला बाईक, थर्ड प्राइजला बाईक आणि फोर्थ प्राइजला देखील बाईक तुम्हाला वामजा गावामध्ये येणाऱ्या 16 ते 20 डिसेंबरमध्ये बघायला मिळेल. तर निश्चित इच्छुक संघ पुन्हा एकदा योगेश वडवी सर यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू सो मच. पहिले राउंड का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा. बाप्पा मोरिया तलोचे मजकूर और फाइट करेगी जय गावदवी 11 शिडोन. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. ये मुकाबला 5 ओवर का खेला जाएगा. बेहतरीन मुकाबला पिछला देखने मिला. विनय गावंड आखिर तक नॉट आउट खेले लेकिन उसके बावजूद कई सारी गलतियों के कारण वल्लभ टीम को हार मिली जिसमें फील्डिंग की गलतियां बहुत ज्यादा थी. लेकिन ये पहली शुरुआत है उनकी और नए खिलाड़ी मेरे ख्याल से ज्यादा थे जो विकेटों के पीछे सबसे ज्यादा रन गए. अगर उन्हें रोकते तो शायद 1 ओवर में 17 नहीं मेरे ख्याल से 1 ओवर में 10 या 11 रन अंतिम ओवर में जरूर बचते. बात करेंगे क्रिकेट है, छोटी छोटी गलतियां आपको हमेशा बाहर करती है. वही गलतियां हमें वल्लभ टीम से जरूर देखने मिली. तो चलिए इस मैच की जरूर बात करेंगे. आज के पहले राउंड का अंतिम मुकाबला दोनों टीम को शुभकामनाएं. बैटिंग करती है यहाँ पर जय गावदेवी शिडोन और गेंदबाजी करेगी बप्पा मोरिया तलोजे मजकूर. बॉलिंग मार्ग पर है मयूर राजे, वन ऑफ द फाइनलिस्ट ऑलराउंडर. पिछले 6 सालों से पहले ओवर करते हैं. अभी तक वही पहले नंबर का किताब गेंदबाजी का अपने नाम पर है. क्या इस सीजन में मयूर राजे पहला मुकाबला है, क्या फिर से एक बार अपने आप को साबित करेंगे पावर प्ले की ओवर में. गेम ऑन फर्स्ट बॉल, ब्यूटीफुल डिलीवरी, बिल्कुल बल्ले पे गेंद ब्रश हुई. उसके बाद शॉर्ट फाइन लेग में थोड़ी सी खराब फील्डिंग, 2 रन पूरे. शुरुआत दौर क्रिकेट है, प्रैक्टिस बहुत कम है, थोड़ी सी गलतियां होगी, बहुत सारी मिस फील्डिंग देखने मिलेंगे, वाइड बॉल नो बॉल देखने मिलेंगे. लेकिन इन गलतियों से आपको आगे चल के सीखना है. थर्ड अंपायर, तो मैदान से मेन अंपायर ने तीसरे अंपायर के लिए कॉलिंग की है. आयोजनकर्ताओं से रिक्वेस्ट है कि तीसरे अंपायर को भेजिए. तीसरे अंपायर ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में कोई टीवी अंपायर नहीं होता, इंटरनेशनल में तीसरा अंपायर टीवी अंपायर होता है. लेकिन ग्रामीण टेनिस बॉल्स क्रिकेट में तीसरे अंपायर खुद आयोजनकर्ता होते हैं जो तीसरे अंपायर की भूमिका निभाते. कुणाल म्हात्रे थर्ड अंपायर विकेटों के पीछे. मयूर राजे के लिए एक आक्षेप है बल्लेबाज के द्वारा और द विकेट. फुल टॉस गेंद, देखिए ये दबाव होता है गेंदबाजों पर. जब थर्ड अंपायर आपके सामने आते हैं तो गेंदबाज की नज़र थर्ड अंपायर पे ज़्यादा होती है. यानी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं जिसे, मिस गाइड करना गेंदबाज को, उन पर दबाव डालना, ये बल्लेबाजों की स्ट्रैटर्जी होती है. वही स्ट्रैटर्जी बल्लेबाज आविष्कार ने अपनाई. स्ट्राइक गेंद पर इस वक्त सुयोग, रेड कैप, वेरी डेंजरस कलर, ओपनिंग बैट्समैन सुयोग. ऐसे में इनसाइड एज की ज़्यादातर खतरा हो सकता है बल्लेबाज के लिए. ऑफ साइड में गेंदों खेलना चाहते थे, डॉट बॉल की समाप्ति. देखिए आज बहुत सारे टीमों ने 62 रनों का टारगेट रखा. अगर पिछले 4 मुकाबले देखे जिसमें 62 का टारगेट था, मेरे ख्याल से एक ही टीम ने 62 रन चेस किए, वो थी नेवालीपाड़ा. और उसके बाद किसी भी टीम को 62 रन चेस नहीं हुए. देखना है कि पहले राउंड का अंतिम मैच है कि यहाँ पर भी 62 का टारगेट बनेगा. ये देखिए रिप्ले, ऑफ साइड में गेंद बल्लेबाज की कमजोरी है.
मयूर राजे को पता है। मैंने कहा था पिछले 6 साल से ये हमेशा पहले ओवर करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बल्लेबाज को रीड करते, बल्लेबाज का अभ्यास करते, इसलिए अभी तक वो एक नंबर पे गेंदबाजी का खिताब अपने हाथों में रख पाए। शानदार गेंदबाजी, यह अभ्यास होना चाहिए। अगर बड़ा गेंदबाज बनना है तो बल्लेबाज का अभ्यास करो, उनकी कमजोरी को पढ़ो। थोड़ा सा पीछे का गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में गेंद जाते हुए फील्डर है, पावर प्ले की ओवर, कोई बड़ा शॉट तो नहीं आ पाया लेकिन इक्का दुक्का के साथ थोड़े से रन आ रहे स्कोर कार्ड पर। 5 रन, गेंद है 5 रन है 5। जबरदस्त गेंदबाजी मयूर राजे, अच्छे जवाबदारी निभाते हुए। कल इस मैदान पर एक आपने अच्छी आवाज़ सुनी तलोजा मजकूर के, साई राजे, उनका भी जिक्र करेंगे और साई राजे भी अपने टीम को ऑल द बेस्ट देते हुए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। अंतिम गेंद, विकेटों पे गेंद है, रन आउट हो सकते हैं, डायरेक्ट हिट की कोशिश नहीं की और इसी के साथ पहली ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और जय गावदेवी 11 शिडोन टीम की रन संख्या बगैर कोई नुकसान पे 5। इंटेक्स वाटर सप्लाई के ओनर विनायक साहब, इनका आगमन हो चुका है तो एक्वा इंटेक्स के जो विनायक साहब है उनसे निवेदन है, मंच पर आई है, जिनकी ओर से टूर्नामेंट के लिए 10 एक्वा इंटेक्स बिस्तरी के बॉक्स दिए हैं। तो विनायक साहब आपका हार्दिक स्वागत, आइए विजय दादा पाटिल चषक में आपका दिल के गहराई से स्वागत करते हैं। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, जय गावदेवी शिडोन टीम की रन संख्या है 5। ओपनिंग जोड़ी सलामी बल्लेबाज, इनके अंदर पोटेंशियम है, इनके अंदर क्षमता होती है, ये रन के रनों की मशीन होती है और इनके बल्ले से ज़्यादा रन आते हैं। क्या वो रन आने वाले 24 गेंदों में स्कोर कार्ड पर लगेंगे या फिर नहीं, बहुत सारे सवाल इस मैदान के अंदर है। पहले इनिंग में ज़्यादातर बल्लेबाजों पे दबाव नहीं होता, गेंदबाजों पे दबाव नहीं होता क्योंकि तब टारगेट चेस करने की बात नहीं होती, लेकिन दूसरे इनिंग में ज़्यादा दबाव होता है। हेमंत नंबर 2 पर बॉलिंग करेंगे, तलोजा मजकूर टीम के एक और अच्छे गेंदबाज, ये फाइन लेग के ऊपर से मारना चाहते थे, अंपायर का सिग्नल आएगा वाइड बॉल 1+1, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होगी और टीम का टोटल आगे बढ़ेगा स्कोर कार्ड पर 7 रन। तलोजा मजकूर टीम काफी मर्तबा पिछले साल फॉर्म में थी, इस साल भी उनके इरादे मजबूत है और जरूर इस साल भी कोशिश करेगी, एक अच्छा फॉर्म लेके ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफी जीतने का कारनामा करेगी। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन है सुयोग, लेग बी फॉर विकेट LBW, सुयोग को लौटना होगा, 2 रन बनाकर सुयोग की पारी समाप्त। बिल्कुल बिपिन जी, ऐसा लगता है कि इस इनिंग में ज़्यादा रन नहीं बन पाएंगे जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, लेकिन पिछले मुकाबले को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वल्लभ टीम के खिलाफ उसाडने टीम ने सिर्फ 3 ओवर में 26 बनाए थे शायद, लेकिन चौथी पांचवी ओवर में स्कोर बहुत ऊपर गया, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेग स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद है, सैंडी पालकर का इशारा, वाइड बॉल, 1 रन और स्कोर कार्ड पर आएगा। अगर एक वाइट के बाद एक विकेट आता है तो भी अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी, हालांकि पहली गेंद वाइट थी उसके बाद विकेट मिला फिर से वाइट बॉल, 1-1 रन शिडोन टीम के लिए भी अच्छी होगी, लेकिन ओपनिंग बल्लेबाज है, एक से बात नहीं बनेगी, 6-4 तो मारने होंगे। कोशिश है यॉर्कर गेंद, लोअर फुलटॉस से बीट किया, एक और डॉट गेंद, अच्छी स्ट्रेटजी हेमंत की यहाँ पर गेंदबाजी द्वारा, लेकिन जरूर बता जाएंगे शिडोन टीम को कि आपके खिलाफ बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाज बैटिंग करेंगे जैसे संगम राजे होंगे
और उसके बाद कुणाल पाटिल, और ये बल्लेबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में बैटिंग करते हैं, तो ऐसे में इनके खिलाफ शीडाउन टीम को ये डॉट गेंद नहीं खेलनी चाहिए। मेरे ख्याल से 60 रन कैसे बनेंगे उस पर विचार विनिमय करना होगा। ओवर द विकेट, एक और डॉट गेंद, कम बैक, वेरी गुड कम बैक। इस इनिंग में दबाव है बल्लेबाजों पर, टॉस जीता था मेरे ख्याल से तलोजा मजकूर टीम ने और फील्डिंग का फैसला, लेकिन यहाँ पर देखिए उनका फैसला सही रहा, गेंदबाजों को बांध के रखा है, मानो उनके पाँव में जंजीर बांध के रखी है इन गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के। ओवर द विकेट, लेग बिफोर विकेट, LBW की अपील सैंडी पालकर ने जरूर खारिज की, गेंद स्टंप के लाइन में नहीं थी इसलिए नॉट आउट घोषित किया, एक से ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा मुकाबला देखने मिल रहा है, गेंदबाजों का दबदबा, लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि सुबह से जितने भी मुकाबले हुए उन मुकाबले में 5 ओवर में 62 का टारगेट 3-4 बार देखने मिला, जो शायद एक ही बार चेस हुआ, क्या इस मुकाबले में भी वही टारगेट सेट कर पाएगी शिवडोन टीम? ऑन साइड में इस गेंद को खेला, डीप लॉन्ग ऑन में फील्डर है, एक से ज्यादा कुछ नहीं। बल्लेबाजों को कोशिश करनी चाहिए रन चुराने की, क्योंकि चुराए हुए रन भी आपको काम आ सकते हैं। एक रन जरूर मिला और टीम का टोटल है 10 रन स्कोर कार्ड पर। दोपहर का सत्र है, बहुत ही खामोश सत्र होता है, शुरुआत धमाकेदार होती है लेकिन शाम में एक और बड़े धमाके हमें जरूर देखने मिलते हैं। यही तो टेनिस बॉल क्रिकेट की एक अच्छी सोच और धारणा देखने मिलती है। मिस टाइमिंग शॉट, डीप लॉन्ग ऑन में संगम राजे के हाथों में गेंद, संगम राजे अपने हाथों से गेंद लेके गए विकेट कीपर के पास, और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त, पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं, और इस पावर प्ले में शिडोन टीम की पावर तो नहीं देखने मिली लेकिन स्कोर रुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे, सेकेंड स्पेल मयूर राजे। जैसे मयूर राजे मैदान में आए तीसरे अंपायर भी आ गए, जो नियमानुसार अगर किसी गेंदबाज के खिलाफ तीसरे अंपायर आप इस्तेमाल करते हैं तो पूरे इनिंग में जब तक वो गेंदबाजी करेंगे तब तक तीसरे अंपायर आपके सामने रखे जाएंगे। ओवर द विकेट, इस बार ब्यूटीफुल डिलीवरी, ब्यूटी ऑफ स्पेस, शानदार परफॉर्मेंस, अच्छी गेंदबाजी मयूर की, अब कोई दबाव नहीं इनके पास। देखिए अगर कल की बात करेंगे विपिन, कल 56 छक्के लगे, 48 चौके लगे, कल बहुत बारिश हुई 44 छक्के की, लेकिन आज इस मुकाबले में थोड़ा सा सूखा देखने मिल रहा है। ऐसे जिस तरह से रेगिस्तान में कोई बंदा पानी के लिए तरसता है, ऐसे शिडो टीम रनों के लिए तरस रही है, ये रन आने बहुत जरूरी है इनके लिए। मयूर तैयार, इस बार सीधा भाव पर गेंद डिलीवर की थी, कितनी रफ्तार है इनके पास, बहुत ही अच्छी सोच। मैंने कहा था मयूर राजे पिछले 6-7 सालों से पहले नंबर पे गेंदबाजी करते हैं, रोशन ये खिताब उनके नाम पर है, देखिए बिल्कुल डिजर्व करते हैं पहले नंबर पे गेंदबाजी करना। मुश्किल होता है क्योंकि पिछले मुकाबले हमने देखा कि कई गेंदबाजों पे 6-4 चौके लगे, छक्के लगे, और वो गेंदबाज बहुत जल्दी बदनाम होते यूट्यूब पर, तो ऐसे में इतने अच्छे गेंदबाजी करना और अपने किरदार को बखूबी निभाना मयूर राजे से हमें सीखना चाहिए। तो इस वक्त जय गावदवी शिडोन टीम का स्कोर है महज 12 रन। 6 नंबर का गियर अब तो डालना होगा शिडोन टीम को, कोशिश जारी है, 4 से भी बात बनेगी लेकिन फील्डिंग अच्छी, एक से ज्यादा कुछ नहीं, महज 1 रन, 1 डाउन का बल्लेबाज तकदीर खेल रहे और उनके साथ है ओपनर बल्लेबाज आविष्कार। आविष्कार स्ट्राइक लॉन्ग स्ट्राइक गेंद पर है लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा उनके बल्ले से, ये सोचने वाली बात है। शिडोन टीम कम बैक करना होगा बैटिंग से।
तो चलिए, मयूर राजे के लिए इनाम जरूर आया था विकेट हैट्रिक के लिए, लेकिन उनके पास उतनी गेंद नहीं बची, महज दो गेंद बची है। अगर दो गेंद पे दो विकेट आते तो इनाम आप लगा सकते हैं। दो गेंद पे दो विकेट आते तो प्रमोद जी पाटिल इनकी ओर से 500 मिलेंगे मयूर राजे के लिए। इस बार विकेट मिल चुका है बेल्स डाउन, एक बड़ा विकेट। अब बीच बॉवर में नैया फंस चुकी है, सीडो टीम रनों की तलाश में जूझती हुई बीच मैदान के अंदर। चलिए, इस विकेट पर 500 का इनाम मयूर राजे आपको मिल सकता है। देखिए, महाभारत में अभिमन्यु ने कहा था, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। सीडो टीम हिम्मत नहीं हारनी है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी तक 13 गेंदें बची है। इस पर 12 भी अगर 10 भी छक्के आते हैं तो आप 60 रन बना सकते हो। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, थिंक पॉजिटिव। यस, 500 डेबिटेड टू मयूर राजे। क्रमांकाची होंडा सिटी आहे, बघा कोणाची। ओके ओके, स्कोर कार्ड पे देखिए, बिपिन एक अलग स्कोर देखने मिलता हुआ, 18 गेंदे फेंकी, रन बने 13, यानी रनों से किए। राहुल स्पोर्ट्स इनके एडवर्टाइजमेंट हमारे स्क्रीन पर प्राप्ति लाइव। एडवर्टाइजमेंट करते हुए जब मुकाबले में मजा नहीं होता तब एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग की जाती है। राहुल स्पोर्ट्स शॉपिंग कर सकते हैं, क्रिकेट का हर तरह का सामान, ट्रॉफीज, ट्रैक, टी शर्ट, शूज, राहुल मस्कर टेम्बोडे, तो जरूर कांटेक्ट करिए, स्क्रीन पे उनका नंबर भी है। थैंक यू, शुक्रिया। 13 रन, जय गावदेवी शिवडोन टीम। देखिए, क्रिकेट में कहते हैं कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, लेकिन जीतता वही है जो 6-4 नंबर का गियर डालता है। अब एक्सलेटर पे पाव देना होगा आविष्कार को, ये टीम के ओपनर थे। कोशिश जारी है, बल्ला पहले घूम रहा है, गेंद बाद में आती हुई मिस टाइमिंग, डॉट बॉल, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में नजर आ रही शिवडोन टीम। गेंदबाज है रोहित दास, विकेट कीपर के तौर पे थे 3 ओवर में, लेकिन अब बॉलिंग करते हुए। ज्यादातर विकेट कीपर गेंदबाजी नहीं करते, इंटरनेशनल हो या ग्रामीण, लेकिन रोहित दास के पास अच्छा अनुभव है गेंदबाजी का। थोड़ा स्विन कर रहे गेंद, जिसे हम कहते हैं ऑफ कटर गेंद, लेग कटर गेंद, एक अच्छा तालमेल। इस बार ऑफ कटर गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। संगम राजे जल्दबाजी करते हुए डायरेक्ट हिट की थी संगम ने, लेकिन बात नहीं बनी, एक से ज्यादा कुछ नहीं। सैंडी पालकर का इशारा, बाइज एक रन। 40 नियमों का खेल होता है क्रिकेट, जिसमें से बाइज का भी एक नियम हमने लागू किया, एक के साथ टीम का टोटल आगे होगा 14 रन। ऐसा लग रहा है कि लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, लेकिन अंतिम 6 गेंद भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लो स्कोरिंग का गेंदबाज इस्तेमाल किया जाता है, स्लॉग ओवर, जिसमें रन बना सकते हैं आप। स्ट्राइक गेंद पर सुशांत, अगर ये भी शांत रहे तो बात नहीं बनेगी, इनको आवाज उठानी होगी। बल्ला उठाया था लेकिन मिस टाइमिंग,
देखिए गेंद को पीछे रखा जा रहा है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, जैसे अफगानिस्तान के राशिद गेंदबाजी करते हैं उस तरह की गेंदबाजी हो रही है। चकमा देने वाली गेंद, और महागुरु गडगे सर हमेशा कहते हैं कि चकमा खाने वाली गेंद पर कोई नंबर नहीं दिया जाता। अच्छे टूर्नामेंट्स योगेश मडवी सर का बड़ा योगदान है, हर दिन आपको नए कमेंटेटर्स, नए अंपायर्स इस टूर्नामेंट्स में देखने मिलेंगे। रविदास ब्यूटीफुल डिलीवरी, क्या गेंदबाजी है रविदास की। सुशांत को भी शांत रखा, चौथे नंबर पे, पांचवे नंबर पे आए सुशांत, लेकिन बड़े नंबर कब लाएंगे ये सवाल दर्शक शिवडों के पूछते हुए। इस बार देखिए फिर से मिस टाइमिंग, गेंदबाज को अभी तक नहीं पड़ा बल्लेबाजों ने, सिर्फ बल्ला घुमा रहे, उनको छक्का मारना है, उनको ऐसा लग रहा है कि गेंद बल्ले के नीचे आ रही है लेकिन गेंद बहुत पीछे फेंकी जा रही है। अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रैटेजी, रविदास गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस, इसे कहते कि इज्जत और तारीफ कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। दो गेंद बची है, चार गेंद सिर्फ एक बाइज, एक और डॉट या फिर व्हाइट, सैंडी पालकर बताएंगे व्हाइट बॉल। बहुत ही प्रेशर है बल्लेबाज पर, पूरा कंफ्यूज किया बल्लेबाज को। पिछले मुकाबले में वर्ल्ड टीम के खिलाफ आपने बहुत ज्यादा रन देखे, मिस फील्डिंग देखी, और इस मुकाबले में आपने रन ज्यादा नहीं देखे, यानी विकेट टैलेंट को साथ दे दिए, जो जितना टैलेंटेड है विकेट उसके साथ होगी रोशन, ये बात पूरी दिख रही विकेट के द्वारा। शिवडोन टीम ऑन फायर बनना होगा, एक अच्छा टारगेट आपको सेट करना है। सुशांत तैयार, इस बार भी चकमा दिया, अब बल्लेबाज का हौसला पस्त हो चुका है। एक गेंद बची है आपके पास, बल्लेबाज को लगा कि ओवर समाप्त है, वो निकल रहे थे, यानी इतना परेशान हो गए वो रोहिदास के द्वारा, बहुत ही हताश और निराश। एक गेंद बची है, आविष्कार सोच रहे कि इस गेंद पे हम नहीं दौड़ेंगे क्योंकि अंतिम ओवर वो खेलना पसंद करेंगे। बात बनी, ये फाइन लेग में फील्डर नहीं है, बाउंस भी गेंद, अच्छी फील्डिंग, दर्शक वहां पर मौजूद है, उनका सिग्नल तो कोई आया नहीं। दो रन, तीन रन कंप्लीट किए, और इसी के साथ चार ओवर का खेल, एक रन कंप्लीट, एक शॉट, चलिए दो रन मिलेंगे, बल्लेबाज आउट है, और दो के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ेगा स्कोर कार्ड पर 17 रन। यस, 32 गोल की है गेंदबाजों ने बल्लेबाजों की, अंतिम ओवर बची है 6 गेंद, 36 रन बन सकते हैं बिपिन, थिंक पॉजिटिव, और गेंदबाजी करेंगे ब्रह्मा राजे। इनके हाथों में स्लॉग ओवर, डेथ ओवर, और योगेश मडवी डेथ ओवर में सबसे ज्यादा रन आते, क्या बन पाएंगे। सुशांत बहुत हताश हो चुके थे, अब उनमें पावर आ चुकी है, दिखानी होगी अपनी दमखम। डीप लॉन्ग ऑन में फील्डर है, चकमा देकर गेंद सीधा निकली सीमा पार, रन मिलेंगे 4। तर शिरडोन गावचे सन्माननीय धीरज पाटील यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं, आपलं स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत आहे। आजमध्ये आपण पाहिलं दम नाही कारण ज्या प्रकारे धावांची बरसात व्हायला हवी, खेळपट्टी ज्या प्रकारे पाहतोय, मागच्या मॅचमध्ये धावांची लयलूट झाली, या मॅचमध्ये सामना आपण पाहिलं तर गोलंदाजानं गाजवला,
म्हणजे खेळपट्टीचे वेगवेगळे रूप आहेत, मात्र या मॅच मध्ये शेवट मुवमेंटला जरी दोन एकाद दोन मोठे फटके आले तरी एक चांगले टोटल होऊ शकते. बिल्कुल योगेश बडवी, मैंने कहा था ये जो विकेट है टैलेंट को साथ देती है, आपका टैलेंट प्रेजेंट करो विकेट आपको साथ जरूर देगी. ब्रह्मा राजे का टैलेंट देखिए, पहली गेंद पे चौका लगा, उसके बाद दो गेंद पे कोई नंबर नहीं, दोनों गेंदे लगातार डॉट. लेकिन जिस तरह से पिछला बल्लेबाज की बात रही थी कि उन्होंने भी ज्यादा डॉट बॉल खेले, मगर आप डॉट बॉल आने के बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करो तो जाकर अच्छी टोटल बनती है. जरूर क्रिकेट में माइंडसेट अच्छा होना चाहिए योगेश, बिल्कुल माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेले. एक एक रन भी इंपॉर्टेंट है, एक एक रन को महत्व देना चाहिए. सुशांत, ये गेंद लेग स्टंप के बहुत ही बाहर थी, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का होगा. क्रिकेट का 24वां नियम है व्हाइट बॉल, एक रन और टीम का टोटल है. जय गावदेवी शिडोन टीम पहुंची है 22 रनों पर, चार विकेट 22 रन, गेंद बचे इनके पास तीन, 27 गेंदे फेंकी है और महज 22 रन, 30 गेंदों का ये पहला इनिंग चलता हुआ. गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग ब्रह्मा राजे. सुशांत ने सीधे बल्ले से खेला है, डीप लॉन्गन पर फील्डर है, गुड थ्रो विकेट कीपर के हाथों पर, थोड़ी सी खराब. एक्स्ट्रा रन्स, एक और खराब थ्रो, तीन बार गलत थ्रो, आज थोड़ी सी गलती. ब्रह्मा राजे बहुत गुस्से में, क्योंकि ये उनके खाते में रन जोड़े जाते हैं गेंदबाज के. तो विकेट का पतन यहां पर मिलेंगे महज तीन रन. बिल्कुल, आज वल्लभ टीम के बारे में भी वही हुआ था जब वल्लभ टीम भी मैदान पर थी, यानी कि ये सीजन की पहली शुरुआत है. प्रवीण, प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही है, उसके ये कारण बन रहा है कि ये नतीजा देखने को मिलता है. बिल्कुल, ऐसे कहते हैं प्रैक्टिस कीप मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो परफेक्ट बनो, लेकिन अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई क्योंकि होम ग्राउंड नहीं बने. अभी बारिश समाप्त हुई है, कई जगह पर मैदान बन रहे, खिलाड़ी खेल रहे, कोशिश कर रहे, तो ऐसी गलतियां बहुत होगी. जिस तरह से पिछले मुकाबले में वल्लभ टीम एक ओवर में शायद 24 रन गए और सबसे ज्यादा खराब फील्डिंग में गए योगेश. बिल्कुल, और ये मुकाबले में भी ये बातें सीखने वाली बात है, आप आज यहाँ पर गलत हो रहे तो कल जाकर उसे सुधार लाने चाहिए. बिल्कुल, ब्रह्मा राजे की एक और गेंद, सुशांत शायद नॉट आउट खेलेंगे. बिल्कुल, अभी तक उनका विकेट बचा है लेकिन रन आ रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है. एक और खराब थ्रो और रन कंप्लीट, तीन रन पूरे किए, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स. और इसी तीन के साथ गावदेवी शिडोन टीम का स्कोर है 28. कल जो टोंडा का मुकाबला रहा था, विभिन्न 47 रन बनाए थे पहले इनिंग में, मगर 12 रन से भी मुकाबला जीता. ये हुनर होना चाहिए कि हम तकरीबन 35-40 तक भी पहुंचते हैं तो भी मुकाबला जीतने का मादा रखना चाहिए. गेंदबाज इतने अच्छे होने चाहिए इस टीम में, मगर बल्लेबाजी थोड़ी सी खराब हुई. शिडोन टीम के एक भी बल्लेबाज ने अच्छी पारी नहीं खेली. देखिए योगेश मडवी सर ऐसा कहते हैं, इम्पॉसिबल जो शब्द है वो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, यानी आप कर सकते हैं. थोड़ी सी पॉजिटिविटी होनी चाहिए और माइंडसेट होना चाहिए. जब आप विकेट पे खेलते हो तो दिमाग लगाकर खेलो, एक एक रन से भी मैच जीता जा सकता है. लास्ट डिलीवरी, दिनेश ऑन स्ट्राइक, LBW की अपील, लेग बिफोर पे रन जरूर आएंगे और रन आउट, एक रन मिलेगा लेग बाइज में, विकेट भी जरूर मिलेगा गेंदबाज को, लेकिन स्कोर है 29 रन. यानी ये मुकाबला अगर जीतना है तो बाप्पा मोरे तलोजा मजकूर टीम को आवश्यकता है 30 गेंदे, कंपल्सरी चेसिंग 30 रन. सो मच. तो चलिए टारगेट की बात करेंगे, बाप्पा मोरिया तलोजा मजकूर टीम 29 रन बनाए शिडोन टीम ने, और यहाँ पर अगर मुकाबला जीतना है तो आपको 5 ओवर में 30 रन चेस करने हैं. लेकिन अगले इनिंग में मुकाबला
कांटे की टक्कर भरा होगा या वन साइड, इसका आंकड़े का हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर्स मराठी की मुलुक मैदानी तोफ बुलंद आवाज रोशन पाटील सर शिरवली। तो याच दरम्यान आमचे शिरडोनचे सन्माननीय धीरज दादा पाटील यांचं आगमन झालं। वेलकम दादा या आपण व्यासपीठावरती, कारण शिरडोनच्या मैदानावरती देखील त्यांच्या वतीने एक मोठी स्पर्धा असते, तर त्यांचंही आम्ही स्वागत करतो आमच्या व्यासपीठावर। सलामीची जोडी संगम राजे तर एका बाजूला मयूर राजे, ही पहिली सलामीची जोडी। तर गोलंदाजीच्या माध्यमातून विवेक, काय जबरदस्त चेंडू सफर झाला, जोराचा अपील पाहायला मिळतोय, मात्र इथे सफल अतिशय चांगला चेंडू इथे मात्र सफर केला गेला गोलंदाज विवेकनं। पहिल्या चेंडू पासून पूर्णपणे आक्रमक रवैया दाखवलाय विवेकनं, आणि याच पद्धतीची गोलंदाजी जर या उत्तरार्धामध्ये दाखवली तर सामना अतिशय रफ अँड टफ पाहायला मिळेल या मॅच दरम्यान। गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल, समोर संगम राजे, एक चांगलं बॅट आणि बॉलचं संगम साध्य करणारा हा स्टार खेळाडू इथे आक्रमक होतोय। चांगला फटका अदा केलाय, फिल्डर तैनात आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय, मात्र फेकी थोडीशी चुकीची झाली। चांगल्या पद्धतीने चेंडूला जज केलं असतं तर एका फलंदाजाला मात्र माघारी जावं लागलं असतं। खऱ्या अर्थानं मयूर राजेवरती तो धोका पत्करला होता, मात्र ते नियतीला मान्य नव्हतं, आणि निश्चितच नियोजितपणे आपल्या घरामध्ये वापसी करताना मयूर राजे। ही पहिली सलामीची जोडी आक्रमक झाली तर पूर्णपणे गोलंदाजीची हवा काढू शकतील इतकी ताकद आहे, मात्र गोलंदाजाचं वर्चस्व राहिलं तर सामना आपल्याला शेवटच्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळेल।
मात्र त्या पद्धतीची आक्रमक गोलंदाजी विवेकला दाखवावी लागेल। प्रत्येक चेंडूवरती मोटिवेट केलं जाते त्यांच्या खेळाडूंकडून आणि हे करणं अतिशय गरजेचं असतं। मिडविकेटच्या दिशेने फटकेबाजी होत असताना मात्र मोठा फटका येत नाही आहे, पा कुठल्या प्रकारे मोठा फटका खेळू दिला जात नाही आहे। गोलंदाज विवेककडून पहिला चेंडू डॉट राहिला आणि त्यानंतर पाठोपाठच्या दोन चेंडूवरती आपल्याला दोन रन पाहायला मिळत आहेत। आता स्ट्राईकला संगम राजे, एक चांगल्या पद्धतीचा उत्तमोत्तम खेळीचा नजराणा आज या मॅच दरम्यान दाखवेल का हे पाहावं लागेल। तर तितक्याच सक्षम रीतीनं गोलंदाजी करत असताना विवेक चांगला फटका इथे कन्वर्ट केलाय ऑफ ड्राईव्हचा, लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून उत्तुंग असा षटकार। तलो जेमस्कू टीमचा संगम स्वतःच्या संघासाठी नायक आणि प्रतिस्पर्धी संघासाठी खळनायक ठरत असताना जबरदस्त खेळ इथे आखतोय। पाठोपाठच्या दोन चेंडूंवरती लगातार दोन षटकार। पहिल्या ओव्हरचा विचार केला तर पाच चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय। धावसंख्या धावपटलावरती ओम ठाकूर बाप्पा मोर्या 11 तलोजे मजकूर संघ जाऊन पोहोचतोय 14 धावा धावपटलावरती। हा शेवटचा चेंडू खूप काही सांगून जाईल कारण हा चेंडू डॉट राहिला तर द्वितीय षटकामध्ये पूर्णपणे दबाव चढू शकेल गोलंदाजी करणारा शिवडन संघ। मात्र त्या दृष्टीनं त्या जोग कार्य करावं लागेल गोलंदाज विवेकला कारण मागच्या दोन चेंडूंवरती उत्तुंग अशी फटकेबाजी संगम राजेची। तिसरा चेंडू आणि आजच्या दिवसाचा विचार केला तर लगातार तीन षटकार संगम राजे ऑन अ फायर। राजेशाही थाटामध्ये खेळतोय, बॉल बॅटचं चांगलं संगम जोडतोय तलोजे मस्को टीमचा संगम राजे। कालच्या दिवसाचा विचार केला तर पडगे संघाविरुद्ध प्रवीण करावकरनं काय करामत केली होती, चार चेंडू चार षटकार लगावले आणि आजचा विचार केला तर प्रतिस्पर्धी संघ आहे शिरडोन आणि त्यांच्या विरोधामध्ये खेळत असताना इथे तीन चेंडू तीन षटकार म्हणजेच धावसंख्या धावपटलावरती जाऊन पोहोचतीये एका षटकाच्या खेळीनंतर बिनगडी बाद तलोजे मजकूर 20 वरती। पहा 30 धावसंख्येची इथे आवश्यकता होती 5 ओव्हरमध्ये आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये जर विचार केला तर अतिशय राजेशाही थाटामध्ये रॉयल कारभार पाहायला मिळतोय गोलंदाज संगम। तर आता गोलंदाजीच्या मार्गावर चांगलं योगदान देण्यासाठी सुयोग येत आहे आणि या ओव्हरमध्ये तीक्ष्ण धारदार गोलंदाजी या गोलंदाजाला दाखवावी लागेल, जिद्दीनं खेळ हा करावा लागेल आणि तो जिद्दीचा खेळ सुयोग दाखवण्यासाठी सज्ज आहे चेंडू हवेमध्ये आणि इथे मात्र चांगला फटका चेंडू वन टपासी मापार चौकार। फटकेबाजी प्रत्येक चेंडूकडून एक मोठी धावसंख्या बनवण्याचा मानस मात्र मनी बाळगल्यानंतर ओम ठाकूर बाप्पा मोर्या 11 टीमचा हा पहिला सलामीचा क्रम आक्रमक रवैयानं खेळतोय। साई राजे सुद्धा या स्पर्धेला एन्जॉय करत आहेत।
सुयोग चेंडू वरती इथे चौकार येतोय आणि निश्चितच विजयाच्या आधीन जात असताना हा तलोजी मजकूर संघ खऱ्या अर्थाने पहिला पूर्वार्धच त्यांच्या माध्यमातून गाजवला आणि ते मात्र क्लास क्लास क्लासिकल स्ट्रोक फोर रन। किस लेदर क्रिकेट चा अनुभव असलेला खेळाडू मयूर राजे अनुभवाची शिदुरी काय असते याचं उत्तम उदाहरण प्रवीणजी इथे पाहायला मिळत असताना पा विचार केला तर पाठोपाठ दोन चौकार लागल्यानंतर इथे मात्र संयमी खेळी एक रन झाली कंप्लीट संघ जाऊन पोहोचतोय 29 वा क्या बात आहे स्कोर लेवल इथे पाहायला मिळतोय आणि खऱ्या अर्थाने पहिला पूर्वार्ध जो गाजवतो त्याचा खेळ उत्तरार्धामध्ये खूप काही सोपा होऊन जातो आणि हेच खरं ठरलं खऱ्या अर्थानं तलोजी मजकूर टीमसाठी। मात्र शेडोन टीमचा विचार केला तर पहिल्या पूर्वार्धामध्ये चांगल्या पद्धतीने फलंदाजी दाखवली असती तर उत्तरार्धामध्ये खूप काही सोपं झाले असतं तर अशा रीतीनं एक रन इथे मात्र कंप्लीट होताना इथे पाहायला मिळते आणि इथे मॅच विन होतीये 30 रन इथे मात्र कंप्लीट झाल्या विनिंग स्ट्रोक पाहायला मिळतोय फलंदाज संगम राजेच्या माध्यमातून आणि संगमनं अतिशय चांगलं खेळ इथे दाखवला त्याला जोड होती मयूर राजेची लेदर स्ट्रोक कशी असावी याचं उत्तम उदाहरण मयूर राजेने इथे दाखवला आणि पहिली सलामीची जोडी इथे मात्र कामा आली तर मजकूर टीमला। दादांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केले जाते मोस्ट वेलकम सहर्ष स्वागत नागझरी नगरीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। तर इथे मॅच जिंकलाय ओम ठाकूर बाप्पा मोर्या 11 तलोजे मजकूर आणि 8 मिनिटाच्या आतोआत इथे मॅच समाप्त केली आयोजकांचा वेळ वाचवला थँक्यू। तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी आम्ही घोषित करू तत्पूर्वी सत्कार सन्माननीय संदीप दत्ता पाटील तलोजे मजकूर या पाहुण्यांना इथे सन्मानित केलं जाईल आमचे लाडके आयोजक भारतदादा मात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान सोहळा या सुवर्ण मंचावरती पार पाडला जाईल। अतिशय देखणी स्पर्धा श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागझरी आयोजित रायगडाची ही पहिली मानाची स्पर्धा विजय दादा पाटील चषक 2021 आणि या स्पर्धेमध्ये येणाऱ्या सर्व पाहुण्यांचं क्रिकेट रसिकांचं आणि आमच्या लाडक्या खेळाडूंचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी मयूर राजे 2 ओव्हरमध्ये 7 रन आणि 2 फलंदाजांच्या नांग्या तोडल्या आणि फलंदाजीच्या माध्यमातून 10 रन्स आणि 10 धावांचं योगदान देणारा मयूर राजे ठरतोय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी।